इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए, इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² + 37x - k - 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। समझे, वी हैड अ पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज px इज इक्वल टू 6x² + 37x - k - 2 और वो कह रहा है कि जो इसके जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हैं। अगर 10 इसका क्या है, अल्फा है, तो सेकंड जीरो क्या होगा, वो 1/अल्फा होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो हम ध्यान से देखें तो जब हम दोनों जीरोज का प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 1 आ गया। एक तो प्रोडक्ट हमने ऐसे निकाल लिया और एक प्रोडक्ट हम जनरलाइज्ड फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट होता है C/A। C क्या है हमारा, -k - 2, A क्या है हमारा, 6। ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, दोनों बराबर होंगे। माइनस को अंदर ले जाओ, -k + 2/6 = 1, यहां ले जाएंगे -k + 2 = -6, इधर ले जाएंगे -k = 6 - 2, 4। माइनस को इधर ले जाओ, k की वैल्यू -4, तो हमारे पास जो k है वो -4 आ रहा है। केवल आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है, एक तो यहां से निकाल लिया और एक फॉर्मूले का यूज करके, फिर दोनों को बराबर रखो और सिंपली आप निकाल पाओगे।